कितनी झूठी हो कार्टर। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। तुमने डोरा के बारे में झूठ बोला या फिर तुम्हारी माँ ने झूठ बोला? डोरा अभी भी स्कूल में ही है। वो चुड़ैल कॉफमैन जल्दी ही यहाँ से जाएगी, तुम देखना। अगर मेरी मॉम कोई काम शुरू करती हैं, तो उसे खत्म करके ही दम लेती हैं। और वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। एलिसा कसम, इसमें तो किसी तरह की एडिटिंग करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास दाग हटाने वाले नैपकिन्स हैं। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन आप इतनी जल्दी गायब हो गईं। क्या आप मुझसे बच रही हैं? केट, क्या बात है? आपने कॉफमैन के साथ मिलकर मुझे क्यों छला? क्या मतलब है आपका? आपने ही उसे सामूहिक शिकायत के बारे में बताया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मैंने किया है जबकि वो कोई और भी हो सकता है? नहीं, सिर्फ आपने ही उस पर साइन नहीं किया था। केट, आप समझ क्यों नहीं रही? यहाँ पर सिर्फ इकलौता मैं ही हूँ जो आपकी और आपकी बेटी की हर तरह से मदद करना चाहता है। मेरी बेटी को तुम अकेला छोड़ दो, ओके? एक ऐसे शख्स का कॉल जो वाकई में मेरी मदद करना चाहता है। हेलो कॉनर, हाय। मैं सोच रही थी कि मिलते हैं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, हम मिलेंगे। हाँ हाँ, मिलते हैं। ये क्या है? माफ करना, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? मिस कॉफमैन, मेरे पास आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। कैसी खबर? आप मुझे शुक्रिया कहेंगी। वो चुड़ैल कॉफमैन जल्दी ही यहाँ से जाएगी, तुम देखना। अगर मेरी मॉम कोई काम शुरू करती हैं, तो उसे खत्म करके ही दम लेती हैं। आप क्या कहेंगी इस पर मिस कॉफमैन? आपने इसे डिलीट क्यों कर दिया? मुझे इस शिकायत के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मेरा मानना है कि दुश्मनों की आंखों में धूल हमेशा बनी रहनी चाहिए। और अब उठो और जाओ यहाँ से, और कभी भी अनुमति के बिना मेरे ऑफिस में मत आना और मुझसे अनौपचारिक लहजे में बात मत करना, समझ गए? अब उठो और जाओ यहाँ से। अब भी समझ नहीं आया? अगर हम वहां जाएं तो क्या हमें भी एक मौका मिल सकता है? हाँ, शायद हो सकता है वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए। बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ, ये सोचकर ही मैं थोड़ा पागल हो रहा हूँ। चलो जाने दो। असल में कीमत तो लड़की के ऊपर निर्भर करती है। तो फिर वो कैसी लड़की है? ठीक ठाक है। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैं पहली बार ये सब नहीं देख रहा। ओह, तो तुम कहाँ गए? हेलो, अब मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं था। अच्छा, अगर तुम्हें इतना ही अनुभव है तो तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचता यार। पता चल रहा है कि तुम सिर्फ अच्छी बातें कर सकते हो, असल में तो तुम मिस्टर। क्या मैं आपसे एक सेकंड बात कर सकता हूँ? हाँ जैकरी। मेरा आपसे एक निजी सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? काफी ज्यादा पर्सनल। मैं सुन रही हूँ। क्या किसी स्टूडेंट को टीचर से पर्सनल सेवा लेने में छूट मिल सकती है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? चलिए भी, मैंने आपको देख लिया है, अब इतनी भी मासूम मत बनिए आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम इतनी मेहनत करते हैं और तुम इतनी घटिया बातें कर रहे हो। शांत हो यार, मिस्टर टर्नल एक वेश्या है। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, उसके माता पिता को कॉल करो, कक्षा 10 भी बहुत परेशानी खड़ी कर रही है। मैं एक बेकार की अध्यापिका हूँ, तभी वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। क्या इसमें से किसी की हिम्मत होती मिस कॉफमैन से इस तरह की बात करने की? कभी भी नहीं। मिस टर्नर, वो अभी नाबालिग है, याद रखिए, और उनकी सभी जिक्स को 10 टुकड़ों में बांट दीजिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है लेकिन
इसी तरह से आप एक असली टीचर बनते हैं। मुझे नहीं पता मिस्टर मेंडलसन, मैं इसे नहीं संभाल सकती, मुझे अब उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शांत और सुलझा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्हें इस बात को फैलाने का कारण मत दीजिए और फिर ये मामला जल्दी ही शांत हो जाएगा। शुक्रिया। स्ट्रेस की वजह से मेरा सर काफी ज्यादा दुख रहा है, मैं क्लास पूरी नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे अब घर जाने दीजिए। जाइए, आराम कीजिए और इस बारे में मत सोचिए। आपका बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं। बहुत अच्छा। रॉबिन, प्लीज क्या तुम मुझे यहाँ आकर घर ले जा सकते हो? जैक ने लिसा से क्या कहा? वो बहुत ही खुफिया है। देखो लोला। अरे नहीं, वो मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था, मैं कुछ कैंडीज लेकर आया था। ये किसने भेजी है? तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। काम काम, दिल बना रही हो? आज आपका टेस्ट है। सैक, तुमने वो किताब मुझे दो। क्या कहा? मेरे पास एक वीडियो है जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस बहुत हो गया, तुम बहुत तेज बोल रहे हो। सुनो वाइट, लाओ ये मुझे दो अब। मिस कॉफमैन, क्या ये मुझे वापस मिल सकता है? ये तुम्हें लेसन के बाद ही मिलेगा, अभी चुपचाप टेस्ट दो। तुमने क्या देखा? वो तो लगभग बेहोशी हो गई थी। केट, तुम्हारी लिस्ट से एक और कम हो गया। बिल्कुल, मैं उस शिकायत को लेकर तुम्हारी मदद करूंगा, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम मुझसे सिर्फ इसलिए मिली हो कि तुम्हें निकाले जाने की चेतावनी दी गई है। और भी बाकी समस्याएं, क्या हम सिर्फ दुश्मनों की वजह से ही संपर्क रख सकते हैं? इसके अलावा और क्या कॉनर? मैं तुमसे एक निजी संबंध बनाए रखना चाहता हूं। मुझे नहीं पता, मुझे एक मौका और दे दो। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। मिस टर्नर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। बढ़िया है ना? किसने ही सोचा होगा, इतनी शांत खूबसूरत औरत और साथ में अध्यापिका, ऐसी गंदी लड़की की जैसे बर्ताव करेगी, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। कितने दुख की बात है, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल और बाकी सभी अध्यापक इस सर्वश्रेष्ठ नमूने को सराहेंगे। अगर आप बुरा न माने तो ठीक है ना? ठीक है, फिर जाकर अपनी इज्जत जितने ही बेकार उस पेपर से अपने सिग्नेचर अभी हटा कर आओ। ठीक है, मैं समझ गई। लोला रुको, और कितना गुस्सा करोगी? मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर मुझे बताओ ना, तुम्हें ये सफेद फूल किसने भेजे? तुम बताओ, पी की क्लास के वक्त तुम लोग कहाँ थे? वैश्याओं को देखने। हाँ, अगर तुमने देखा होता कि वो कौन थी और ये कैसा रहा। चुप रहो बेवकूफ,
लोला रुको, मैं बताता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बाहर निकलवाने जा रही हो? मिस्टर मेंडलसन ने आपको सब कुछ क्यों बता दिया? आपने दबाव डाला होगा। पता है अकेले वही नहीं है जो मेरी तरफ है, और उन्होंने मुझे सब नहीं बताया। और मैं आपको बता दूं कि मुझे निकाला जाना आपकी बेटी के आंसुओं और परेशानियों जितना ही कीमती है। आपकी बेटी पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि आत्महत्या करना मजाक है, और इसके साथ ही वेरोनिका को मानसिक रोगों के लिए रजिस्टर किया जा चुका है। और तब जबकि उसके सारे सहपाठी उससे नफरत करते हैं, उसके लिए जिंदगी खत्म करना काफी आसान होगा। आप तो जानते ही हैं कि बच्चे वो बहुत ही क्रूर होते हैं। मैं चलती हूं। दोनों ही बहुत ज्यादा नीच निकले यार, पॉल और जैक। क्या फर्क पड़ता है, मैं अब कभी भी पॉल से बात नहीं करूंगी। ठीक है, तो तुम इसे बस ऐसे ही खत्म कर दोगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। चाहे कुछ भी बात हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जैक को बेहद पसंद करती हूँ, भले ही वो मुझे पसंद नहीं करता हो। हो गया बस, मुझे अब इस बारे में और बात नहीं करनी। लोला क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? जी मिस्टर मेंडलसन, आपका शुक्रिया, मुझे ये बहुत पसंद आए। किस बात का शुक्रिया, तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब है आपका किस बारे में? इन फूलों के बारे में, आपने मुझे मेरे पसंदीदा फूल भेजे थे, लिली। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हें कोई सफेद लिली नहीं भेजे। और मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें कौन से फूल पसंद है? मैंने आपको टेक्स्ट भेजा था। तुमने भेजा था? लोला तुम ठीक तो हो? कहाँ भेजा था, निबंध के साथ या कहीं और? माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। थक यार, टोनी की वजह से लोला मुझसे और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। सब कुछ लगभग ठीक हो ही गया था, लेकिन इस हीरो की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया। कैसे? तुम्हें समझ नहीं आया? एंड्रयू से मेरी लड़ाई हो गई थी, चलो अच्छा हुआ। और अगर लीजा ने स्कूल छोड़ा तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं? क्या तुम्हें लगता है कि डोरा ने वो वीडियो प्रिंसिपल को दिखाई होगी, उसे निकाला नहीं जाएगा? वो उसकी गलती है, स्कूल में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। सुनो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। थक, मेरा फोन अभी भी डोरा के पास है। तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? कुछ खाओ, देखो मैंने बोर्स मीट बॉल बनाई है, सब कुछ तैयार है। माफ कर दो दादी, मैं अकेला नहीं रहूंगा। क्या हुआ है? ये लो क्लार्क, और उसे डिलीट कर दो। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि मैं सही हूं। मैंने कितनी ही बार तुम्हें इस स्कूल से हटने के लिए कहा है, कितनी ज्यादा बार। मैं डेप्यूटी हूं, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन नहीं, वो इसका काम है। जिंदगी में पहली बार मुझे तुम्हारी कमीनी बहन के बारे में अच्छा लग रहा है। अब रोना बंद करो। हेलो एंड्रू, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी है, लेकिन इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम अभी स्कूल आ जाओ। मैं अभी और काम नहीं कर सकती, कि मेरे लिए असंभव है। माफ करिए, मैं समझ नहीं पाया आप किस बारे में बात कर रहे हैं, शांति से बात करिए। देखिए, मेरी पत्नी अब आपके स्कूल में काम नहीं करेगी, इसका उसके मन पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए
मैं तुरंत उसे हटाए जाने की मांग करता हूं, 2 हफ्तों का इंतजार किए बिना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और किस वजह से आप अचानक स्कूल छोड़ना चाहती हैं? मेरी एक जुड़वा बहन है और वो एस्कॉर्ट सर्विस में काम करती है। एस्कॉर्ट सर्विस अलग चीज है, वो एक साधारण सी लड़की है जो पैसों के लिए मर्दों के साथ सोती है। लड़कों ने मेरी बहन का उसके क्लाइंट के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने सोचा कि वो मैं हूँ। आप समझ गए ना, अपनी बहन के काम के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो सकती हैं। इससे अब क्या फर्क पड़ता है, बच्चे यही सोचते हैं कि वो मैं हूँ जो पैसों के लिए अपना बदन बेचती है। जो भी हो, चलो अब अपना त्याग पत्र लिखना शुरू करो। शुरू करिए मिस टर्नर। आप यहाँ पर हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे भी। मुझे मालूम है कि डोरा को आपने नहीं बताया इस बारे में, लेकिन मैं अभी भी ये सोचकर पागल हो रही हूँ कि आप अभी नौजवान और ऊर्जावान हैं, इसके बावजूद आप लड़ना नहीं चाहते। और मुझे आपके उग्र सुधारवाद को देखकर गुस्सा आ रहा है। और हाँ, मैं भी डोरा को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आमने सामने की आपकी इस लड़ाई का कोई भी नतीजा सामने नहीं आने वाला। वैसे क्या आपने वो शिकायत मेरे पिता के पास दर्ज करवा दी? नहीं। यही तो, आप लोगों को उकसाती हैं, उन्हें खतरनाक स्थिति में पहुंचाती हैं, और फिर आप वापस पलट जाती हैं। कैसे? डोरा ने मुझे निक्की को लेकर धमकी दी थी, मैं ये नहीं कर पाई, मुझे वापस जाना पड़ा। कितनी कमीनी है वो। आप परेशान मत होइए, कॉनर मेरी मदद करेगा। और कॉनर वो लगते क्या हैं आपके? माफ कीजिए, मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं। मेरा नंबर डिलीट कर दो और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओ। क्या मुझे चॉक मिल सकती है? मिस्टर मेडलसन, ये वो नहीं है। ये यकीनन वो नहीं है, हमें लगा था कि वो मिस टर्नर है, लेकिन ये वो नहीं है, कोई और औरत है वो। देखिए उसकी टांग पर एक टैटू है, और लीसा मेरा मतलब मिस टर्नर की टांग पर टैटू नहीं है। तो हुआ ये था कि हमने आपकी बहन को देखा था। उनकी बात ही क्यों सुन रहे हैं हम, सब कुछ साफ हो गया है, फौरन इनके माता पिता को बुलाइए। जरा रुकिए, मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं, ये बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारी गलती है, प्लीज हमें मत निकालिए, मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। शांत हो जाओ क्लार्क, तुम दोनों मुझे बताओ, मिस टर्नर कैसी अध्यापिका है? अच्छी है, बहुत अच्छी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझाती है, हमारी बात सुनती है, हमसे अच्छा व्यवहार करती है। बिल्कुल। देखा, इन हरामखोरों को भी लगता है कि आप अच्छी अध्यापिका हैं। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? हमें सॉरी कहना है, आप हम लोगों को माफ कर दीजिए मिस टर्नर। हाँ, अगर आप कर सके तो। चलो अब जाओ। मैंने कहा था ना, एक बहन। तो मिस टर्नर, क्या अब भी आपका मन नहीं बदला? आखिरकार क्या तुम मुझे खुद पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो? मैं किसी भी वैश्या को देखने नहीं गया था और मैं कभी जाऊंगा भी नहीं। फिर टोनी ने ऐसा क्यों कहा और तुम थे कहां? एक सेकंड। हेलो, वो नहीं थी क्लार्क। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि तुम कधे हो। बाय। हमारी बायो टीचर लीजा की एक जुड़वा बहन है जो स्कॉट सर्विस में काम करती है, और उन लोगों को लगता रहा कि वो अध्यापिका ही है। क्या हुआ? वैसे मुझे लगता है कि ये बहुत मस्त है।
सोचो इसे पोस्ट करने से क्या होगा, टीचर के साथ क्या प्रैंक किया था। तुम इंटरनेट के लिए पागल हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। पता है ऐसी वीडियोस को कितने व्यूज मिलते हैं? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि वो फूल कहाँ से मिले थे। वो मैंने खुद के लिए खरीदे थे, मैं तुम्हें जलाना चाहती थी। मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। लोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुमने फिर से मेरा मन बदल दिया है, मुझे उम्मीद थी। जान, तुम्हें पता है मुझे जॉब कितनी पसंद है। मैं किसी डिप्टी की पत्नी के रोल में कुछ खास जंचती नहीं, जो पर्दे बदलती है या फर्नीचर लाती है। मिस टर्नर, सुनिए, मेरी वजह से आपको जाना पड़ रहा है, इसके लिए मैं खुद से नफरत करता हूँ। जैक मेरे बिना वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस गधे को तुमसे प्यार हो गया है। एंड्रयू, मैं स्कूल में रुक रही हूँ, तो कल देर से मत आना, ठीक है? ठीक ठीक है। आप बहुत खूबसूरत, दयालु और सुंदर हैं। वैसे वो कथा सही बोल रहा है। हेलो। हे। मैं घर आ गई। मैंने बस अभी ही स्ट्रॉबेरी केक बनाया है, वैसा ही जैसा डेविल में क्राई और द मॉन्स्टर प्रिंसेस में था। और हमारी छुट्टी भी है ना? और एक और अच्छी खबर, मिस्टर मेंडलसन मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं, अगर आप इसकी इजाजत दे तो। मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हें पढ़ने में काफी उत्सुकता हो रही है। हाँ, वो काफी कूल है और स्मार्ट भी, और उनकी इंग्लिश भी काफी अच्छी है। निकी। हाँ? मैंने वो शिकायत दर्ज नहीं की। क्यों? मैं नहीं कर पाई। क्या मतलब है कि आप नहीं कर पाई? क्या किसी ने भी उस पर साइन नहीं किया? मैं नहीं मानती ऐसा। नहीं, सभी ने साइन किया था सिवाय दो अध्यापकों के। कौन? इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आपने ये क्यों नहीं किया? मेरे पास एक बहुत ठोस वजह है ये सब नहीं करने की, यकीन मानो। मैं सब समझ गई, आपको मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है, आप सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहती हो और कुछ नहीं। हेलो एली। हाय, मैं टहलने जाना चाहती हूँ। हाँ, आधे घंटे में। हाँ, ये ड्रिंक तुम्हें और बेहतर महसूस कराने के नाम। शुक्रिया एली, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। तो फिर तुम्हें और मेहनत करनी होगी। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तो फिर और कौन करेगा? देखो, मुझे माफ करना, लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना होगा। अपने आसपास देखो, कितने सारे अच्छे आदमी मौजूद हैं। अब जाओ और ऐसे तैयार होना कि मैं भी तुम्हें पहचान ना पाऊं। ये तो पूरा अलग ही मामला है। अब घूम जाओ। साक्षात अप्सरा लग रही हो। वाह एली, चलो डांस करते हैं। माफ करिए, क्या मैं आपके लिए ड्रिंक ला सकता हूँ? शुक्रिया, आप बेहद खूबसूरत हैं। एली, मैं डांस करने जा रही हूँ, तुम चल रही हो? चलो फिर हम चलते हैं। गुड इवनिंग। ओह हे, मुझे नहीं मालूम था मिस वॉटर्स ऐसी भी हैं।
हाँ बिल्कुल वो है।